हे दोस्तों, क्या आपको पता है अगर आप यूएस में पढ़ाई करना चाहते हैं तो यूएस में बेस्ट कॉलेजेस को क्या कहा जाता है? अगर आप जापान में पढ़ाई करने जा रहे हैं तो जापान के जो बेस्ट कॉलेजेस होते हैं उसको क्या कहा जाता है? अगर आप यूके में जाते हैं तो वहां के बेस्ट कॉलेजेस को क्या कहा जाता है? यूके के बेस्ट कॉलेजेस को कहा जाता है गोल्डन ट्रायंगल। जापान के जो बेस्ट कॉलेजेस होते हैं, जिनको बेस्ट कॉलेज का दर्जा मिला है, उसको कहा जाता है एम्पीरियल कॉलेज। और यूएस के जो बेस्ट कॉलेजेस होते हैं उनको कहा जाता है आईवी लीग। तो इसी तरीके से इंडिया के अंदर जो बेस्ट कॉलेजेस का दर्जा जिनको गवर्नमेंट ने दिया है, उन कॉलेजेस को कहा जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। यानी ऐसे इंस्टीट्यूट जो नेशनल यानी कौम के लिए, कौमी एक किसी देश के लिए इंपॉर्टेंस का जरिया होते हैं, जहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाता है, ऐसे इंस्टीट्यूट को कहा जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। इंडियन गवर्नमेंट ने भी ऐसे 159 इंस्टीट्यूट को नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया हुआ है, जहां पर अच्छी से अच्छी स्कॉलरशिप, अच्छी से अच्छी रिसर्च फैसिलिटी, अच्छी से अच्छी इंटर्नशिप, अच्छे से अच्छा प्लेसमेंट प्रोवाइड किया जाता है, बेहतरीन इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है, बेहतरीन पीयर ग्रुप होता है, बेहतरीन फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है, बेहतरीन फंडिंग की जाती है। ऐसे इंस्टीट्यूट में अगर आप दाखिला चाहते हैं तो आपको जानना जरूरी है कि इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस क्या होता है। ये 159 इंस्टीट्यूशन में कौन कौन से इंस्टीट्यूट आते हैं? इसमें IITs का शुमार होता है, इसमें 23 IITs होते हैं, इसमें 15 आपके एम्स होते हैं, इसमें 20 IIM होते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। उसी तरीके से यहां पर 31 NITs होते हैं, 25 IIIT होते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसी के साथ साथ 7 आइजर होते हैं, IISER, जो कि प्लेन साइंस के लिए बेहतरीन इंस्टीट्यूट माने जाते हैं, आप अगर उसमें ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो 12th बाद। उसी तरीके से नाइपर होता है, जिसमें फार्मास्यूटिकल साइंस में रिसर्च करना है अगर आपको, तो वो 7 इंस्टीट्यूट का शुमार इसमें होता है। साथ ही साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन NID के इसमें 5 इंस्टीट्यूट शामिल है। उसी तरीके से SPA, जो कि स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्ट के 3 स्कूल इसमें शामिल है। साथ ही साथ मेडिकल रिसर्च के 4 इंस्टीट्यूट इसमें शामिल है। साथ ही साथ इसमें और जो 14 इंस्टीट्यूट ऐसे शामिल है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं इंडिया के अंदर, उनको भी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस कहा जाता है। साथ ही साथ 5 ऐसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का शुमार इन 159 डिग्री कॉलेजेस में होता है जो बेहतरीन इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगर आप ये सारे इंस्टीट्यूट जो मैंने आपको कहा उसमें अगर उसकी तैयारी करते हैं, उनके अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, कोई JEE का एग्जाम के लिए प्रेफर करता है, कोई जैम का एग्जाम प्रेफर करता है, तो कोई गेट का एग्जाम प्रेफर करता है, तो उसी तरीके से कोई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन का जो एग्जाम होता है वो एग्जाम प्रेफर करता है। अगर ऐसे इंस्टीट्यूट का एग्जाम आप देते हैं, या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो होती है वो CUET का एग्जाम प्रेफर करती है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का एग्जाम जो होता है, जो खास तौर पर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए होता है वो एग्जाम होता है। अगर आप इनमें से अपने करियर बनाना चाहते हैं, चाहे आप आर्ट्स में करियर बनाना चाहते हैं, चाहे आप साइंस में करियर बनाना चाहते हैं, चाहे आप बिजनेस में या टेक्नोलॉजी में या प्लेन साइंस में करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का जानना बहुत जरूरी है, ताकि आप बेहतरीन से बेहतरीन अपने करियर के उस मुकाम तक पहुंचे जहां मुकाम तक आप जाना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। मेरा दुआएं आपके साथ में है।